cherries and fields. In this, I hope you all understand part 1 topics. Then we start with electric field lines. Before that we start, we revised what is electric field. Electric field is the region around the charged body in which another charged body experiences an electrostatic force. Okay, so what is electric field line? It is that there is an imaginary lines representing electric field intensity. Now how represent? When positive point charge, then electric field lines is outward direction, and when is negative charge, then electric field lines is inward direction. Remember, for positive charge outward direction and negative charge inward direction. Now look at the first figure. In this figure, first is positive and another is negative charge. Both are unlike charge. Then unlike charges attract to each other. Okay, then electric field line is start from this and then enter in minus Q. So this look like closed loop. Okay, then E my plus Q electric field for a charge plus Q, upward direction and inward direction for minus Q, and E net is in this direction. Okay, when both two charges are like, then both are repelled to each other, then like lines are looking like this. Okay, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस वजह से दोनों एक दूसरे से क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ओपन लूप होगा. एंड जब दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे तब वहाँ पर क्लोज लूप होगा. जब एक चार्ज बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, तब जो चार्ज बड़ा है उसकी साइड लाइंस ज़्यादा होगी, क्योंकि वो छोटे चार्ज को वो छोटे जो चार्ज जो स्मॉल चार्ज है वो अपनी तरफ खींचेगा. ओके, तो जो बिग चार्ज है उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा, और फोर्स ज़्यादा होने की वजह से उसकी साइड लाइंस भी ज़्यादा होगी. ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट मीन्स देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द लाइंस मस्ट बिगिन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज. इन द केस ऑफ एन एक्सिस ऑन वन टाइप ऑफ चार्ज, सम लाइंस विल बिगिन और एंड इनफाइनाइटली फार अवे. नाउ लुक, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ टर्मिनेट होगी, और जब दोनों लाइक चार्जेस होंगे दोनों इनफाइनाइटली अपने अपने अलग तरीके से जाएगी लाइंस. ओके, बिगिन और एंड इनफाइनाइटली फार अवे. फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर. द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस स्टार्टिंग और एंडिंग ऑन अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. The electric field is stronger where the field lines are closer together. मैंने बताया जब हमारी field line जिसके साइड क्लोज होगी वहाँ पे electric field भी ज़्यादा होगा. Field lines contract longitudinally during attraction between unlike. जब दोनों charge unlike है तो दोनों एक दूसरे को attract करेंगे, तो attract करने की वजह से closed loop बन जाएगा. And वो closed loop तो contract छोटा सा बनेगा ना, जैसे हमने यहाँ देखा था. लेट्स सी, एंड ये तो बाहर जा रही, बहुत दूर जाके एंड होगी इसकी लाइंस. तो व्हेन फील्ड लाइंस एक्सट्रैक्ट लेटरल प्रेशर ड्यूरिंग द रिपल्सन, अलाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोनों अलग अलग ही लाइंस बनाएगी. नो टू लाइंस आर कैन क्रॉस, बिकॉज जब दो लाइन एक दूसरे से क्रॉस होगी, जो लाइन है वो हमें डायरेक्शन बता देगी, बट जब दो लाइन होगी तो हमें किससे पता चलेगा डायरेक्शन. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी. ओके, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे दो, एक है ये प्लस ये माइनस, तो ये है बाहर की डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे एंड होगा. ओके, व्हेन मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें मोशन देखे तो हम एक्सेलरेशन देखते हैं, तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ये तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, देयरफॉर एफ इक्वल्स टू क्यू ई. एंड न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल्स टू एम ए, सो एम ए इक्वल्स टू क्यू ई, देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम, वेयर ए इज द वेक्टर. दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एक्सेलरेशन. नाउ एन एक्सेलरेशन पॉजिटिव चार्ज
यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ से यहाँ जाएगा, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस बिटवीन पैरेलल प्लेट। यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होता है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव पे आकर क्लोज होगा। ओके, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास एम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट एट अ पॉइंट ए नेक्स्ट टू अ पॉजिटिव प्लेट एंड एक्सेलरेटेड टू पॉइंट बी। पॉइंट बी पे वो बंद होगा, एक्सेलरेट टू पॉइंट बी नेक्स्ट टू द नेगेटिव प्लेट। फाइंड नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वो क्या होगा, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये हमने पहले ही पढ़ा है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो यूनिट है वो कूलम है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ डायरेक्शन इज द सेम इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम इट, वाइल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टूवर्ड्स, अगर नेगेटिव हो तो इनवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव हो तो आउटवर्ड डायरेक्शन में। उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड इट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन अ नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इट ओबेज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। आई होप यू अंडरस्टैंड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑल्सो ओबे द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। दैट इज द फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज वेक्टर सम ऑफ द फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है यहाँ पे, ये पॉइंट पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जो ये पॉइंट है वो यहाँ अगर हम ज्वाइंट करते तो वो एक एंगल क्या बना है, थीटा वन और फाई वन। अनदर पी टू यहाँ अगर ज्वाइंट करे तो वो फाई टू, एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आर, देयरफॉर ई इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है तो अगर हम साइन को 90 ले तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 इज 1, देन 1 प्लस 1 2, तो ई इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर, जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सर्क्यूलर कोइल, ये एक कोइल है, यहाँ पे ये पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम x मेजर करते हैं और रेडियस क्या है r, देयरफॉर e इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3 बाई 2। वेन फर्स्ट इन फर्स्ट केस x इज मच ग्रेटर देन 2r, अगर x बहुत ज़्यादा है रेडियस से तो हम क्या करेंगे, रेडियस को निगलेक्ट करते, देयरफॉर ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स क्यूब आएगा बट एक्स एक्स दोनों से हट जाएगा, देयरफॉर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। केस टू, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एन, अगर हम बहुत ज्यादा टर्न कर देते कॉइल के अंदर तो क्या होगा, ई इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन के क्यू एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। नंबर थ्री केस, व्हेन x इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये जो p पॉइंट है वो यहीं पे है, तो क्या हो जाएगा, e इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो हमेशा याद रहे कोई के अंदर एट ओरिजिन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जीरो होगी। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब होता है दो और पोल टू चार्जेस, टू चार्जेस के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा, आर जितना। ओके, एंड ये दोनों चार्ज होंगे वो ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट चार्ज होगा हमेशा, अगर ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू, अगर ये माइनस टू क्यू है तो ये प्लस टू क्यू होगा। नाउ लेट अस्सुम दैट q and minus q are two charges separated by distance 2L. The dipole moment, अगर हम जब dipole की बात करते हैं तो हमारी dipole moment तो आएगी, और dipole moment क्या बताते हैं, strength of the dipole, dipole कितना weak है, कितना strong है वो बताएगा dipole moment, dipole moment बताएगी उसकी strength dipole की।
देयरफॉर हमारी डायपोल मोमेंट पी इक्वल्स टू क्यू इंटू टू एल, डिस्टेंस क्यू इंटू आर, तो आर हमारा आर कितना है 2L, तो क्यू पी इक्वल्स टू क्यू 2L, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि आर हमारी है डिस्टेंस और डिस्टेंस हमारा स्केलर है, बट यहाँ पे हम डायरेक्शन भी डिपेंड करेंगे क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है और चार्ज तो वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. द लाइन जॉइनिंग माइनस क्यू टू प्लस क्यू इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द डायपोल. ये जो हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ द डायपोल. अगर हम यहाँ से ही कोई पॉइंट आगे लेते हो तो वो भी उसके एक्सिस ही होगी. ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, मतलब यहाँ कोई पॉइंट ए के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू द डायपोल, बट वो जो लाइन होगी वो किससे होगी, डायपोल एक्सिस की लाइन होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट डायपोल ऑन इट्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल, हमारा डायपोल से यहाँ से डिस्टेंस है ये, यहाँ अगर हम जब भी डायपोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमेशा मिड पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ मिड पॉइंट है तो हम यहीं से डिस्टेंस मेजर करेंगे. ओके, तो यहाँ से आर टू यहाँ हो गया आर, एंड फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर प्लस एल, एंड अगर पॉजिटिव चार्ज का देखो तो आर माइनस एल, देयरफॉर ई ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 आर प्लस एल, आर माइनस एल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर, ये आर यहाँ से यहाँ तक और प्लस एल, देयरफॉर 4π, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ये टर्म आएगी 4qLr अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, वेर पी इक्वल्स टू 2qL, देयरफॉर पी क्यू 2qLr, देयरफॉर 2p हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो ये इक्वल्स टू 2p अपॉन 4πε0 आर क्यूब. अगर हमें इक्विलेटरल बोला है तो हम यहाँ से ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे तब हम कॉस थीटा साइन थीटा निग्लेक्ट नहीं करेंगे. ओके, अब यहाँ पर देखो डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है पहले वो देखें. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसके बीच की जो स्पेस है वो हर लाइन के बीच की स्पेस सेम रहेगी. स्पेस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इक्वल. व्हेन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हम बात करें कि स्पेस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अनइक्वल. अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करते हैं, अगर हम उसमें लाइन डाइपोल रखेंगे तो अगर दोनों डायपोल हैं वो अनलाइक चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एक जो है पॉजिटिव वो इस डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव वो इस डायरेक्शन में जाएगा. तो इफ अ डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो. ओके, देन टॉर्क ऑन द डायपोल इज टॉर्क इक्वल्स टू पी इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा, 2L डिस्टेंस हुआ दोनों के बीच का, एंड साइन थीटा हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, देयरफॉर 2L साइन थीटा इक्वल्स टू PE, Q इंटू 2L इक्वल्स टू P हो जाएगा, P इक्वल्स टू 2Q 2L है, देयरफॉर PE साइन थीटा हुआ, देन वेक्टर कंपोनेंट में टॉर्क इक्वल्स टू P cos E, P इज डायपोल मोमेंट एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड P इक्वल्स टू Q 2L. This torque has a tendency to orient dipole moment vector in the direction of field. Now, electric flux. Electric flux is very important topic. This is the last topic of this chapter. Now, electric flux. What is electric flux? Electric flux is the total number of electric field lines crossing per unit area. It depends upon area. We define as the electric flux. फ्लक्स फाय, हम फ्लाफाई से उसको डिनोट करेंगे. देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू द सर्फेस ए, देयरफॉर फाय इक्वल्स टू ई, ये जो एक सर्फेस है ट्राइंगल स्क्वायर, यहाँ से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती है उन सब का जो एरिया कवर करता है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयरफॉर फाय इक्वल्स टू ई इंटू ए, और ये इस डायरेक्शन में जाती है मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है,
therefore 5 equals to e a cos theta, where a is the vector normal to the surface. ये है सरफेस से सेम डायरेक्शन है, देयरफॉर नॉर्मल टू द सरफेस मैग्नीट्यूड ए एंड डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस. थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए. इस तरीके से एंगल बनेगा कुछ ना. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन एरिया. हम जितने फ्लो होंगे उसके पूरे एरिया में से जितना जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स. You can think of the flux to some surface is a measure. Flux का मतलब होता है to flow. Okay? तो जितनी flow होगी lines, electric lines, उसको बोलेंगे हम electric flux. Through some surface is a measure of the number of field lines which pass through the surface. Flux depends on the strength of E. जो हमारा flux है वो किस पे depend करेगा? Electric. क्योंकि जितनी electric field lines ज़्यादा strong होगी, उतना flux ज़्यादा होगा. फाइव इक्वल्स टू ई ए. फाइव डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. देयरफॉर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उतनी फ्लक्स ज़्यादा होगा ऑन द सरफेस एरिया. एंड एरिया पर भी डिपेंड करेगा, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना भी फ्लक्स ज़्यादा होगा. द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड एंड सरफेस. अब ये जो फाइ एन ई, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, यहाँ पर तो ये नॉर्मल है इन दोनों से, बट इन दोनों का एंगल परपेंडिकुलर होगा. Now let's see, phi equals to a, ea cos theta, okay? अब जो flux है वो orientation पे depend करता है. जैसे कि आपके सामने कोई एक इंसान खड़ा हुआ है, आप उसको चोक मारते हो, तो आपके exact सामने खड़ा हुआ है, अगर वो नीचे बैठा होगा और आप सीधे ही चोक मारोगे तो उस पर लगेगा? नहीं लगेगा. सेम अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे एरिया में से जा रही है तो हमें एग्जिट आएगा, बट अगर वो क्रॉस जा रही हो तो हमारी जो फ्लक्स होगा वो कम हो जाएगा. तो ऑल्सो वो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा. जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कॉस थीटा ई, अगर वो ऐसे है तो सही, बट अगर ये इस डायरेक्शन में हो तो वो कुछ अलग होगा, थीटा यहाँ आ जाएगा. ओके, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू द टाइटल्ड सरफेस, ये जो सरफेस है इक्वल द नंबर ऑफ थ्रू इट्स प्रोजेक्शन, ये जो हमारी प्रोजेक्शन है उससे इक्वल होगा. हेंस द फ्लक्स थ्रू द टाइटल्ड सरफेस इज सिंपली गिवन बाय द फ्लक्स थ्रू इट्स प्रोजेक्शन ई ए क्रॉस थीटा. मतलब यहाँ से इन दोनों का सेम ही होगा टाइटल एंड प्रोजेक्शन पर, तभी तो इन दोनों का सेम होगा. ये थीटा और ये थीटा कब इक्वल होगा? जब इन दोनों से जो एंगल बनता है वो सेम होगा. Now what is the surface is curved or the field varies with proposition. अगर हम यहाँ पर देखें तो flux through the dA, dA derivative of A, therefore d phi equals to e into dA, therefore d phi equals to e into dA cos theta. अगर हम integration करें तो अगर integration किसका हो जाएगा? d phi का होगा, तो e into dA. Now goes to, this is very important law and this is depend on electric flux. तो यहाँ ये गॉस लॉ क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये गॉस लॉ हमें सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही है. क्लोज सरफेस इज इक्वल एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो. तो ई टू डी ए इक्वल्स टू समेशन ऑफ चार्ज, मतलब जितने चार्ज अवेलेबल है उस सबका प्लस, डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो. This is always true. Occasionally, it provides very easy way to find electric field. ये हम क्यों गॉस लॉ क्यों यूज करते हैं? तो गॉस लॉ हमें बहुत ईजी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हेल्प करता है. हम अगर गॉस लॉ यूज करते हैं तो हम बहुत ईजीली से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, जब हमारा सिमेट्रिक, पर एक कंडीशन है सिमेट्रिक केस के अंदर. ओके, नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गॉस लॉ. इट इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सर्फेस. ये मैंने पहले ही बोला कि क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ होगा. इट द क्यू इंक्लूड्स अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस. इट सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो चूजन दैट देयर आर सम चार्ज इनसाइड एंड सम आउटसाइड. अगर अमुक चार्ज अंदर होते अमुक चार्ज बाहर होते, तो जो चार्ज, क्योंकि हम क्लोज सरफेस लेते हैं तो जो हमारे सरफेस के अंदर वाले चार्ज है हम उसी को काउंट करेंगे, बाहर वाले चार्जेस को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए ही है.
ओके, द क्वेश्चन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज. ये हमेशा क्वेश्चन सरफेस कंटिन्यूस चार्ज से ही पास होगा, डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होगा. क्वेश्चन सरफेस शुड नॉट कंटेन एनी फाइनाइट नॉन जीरो चार्ज. नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ. यहाँ पे एक हमें सरफेस दी हुई है, हम यहाँ से अगर बाहर ही होता हम चार्जेस काउंट नहीं करेंगे बट अंदर वाले करेंगे. तो वी चूज द क्वेश्चन सरफेस एट अ स्फीयर. ये एक स्फीयर है हमारा, रेडियस हमारा आर है और चार्ज क्यू है एट द सेंटर. देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इन टू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा. अब कॉस थीटा वन जब कॉस जीरो, अगर ये सेंटर पे है, सेंटर है तो हम जीरो एंगल होगा, तो कॉस जीरो इज वन, तो ई इंटू डी ए इक्वल टू ई डी ए. ओके, देन नाउ टेक द इंटीग्रल बिकॉज क्लोज सरफेस, टू ई इंटू डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो. तो ई इंटू डी ए इक्वल टू ई इंटीग्रल ऑफ डी ए, ई तो ई का तो इंटीग्रल नहीं होगा, देयरफॉर ई इंटू ए डी ए, डी ए का यहाँ पे इंटीग्रल वन होगा, देयरफॉर ए. नाउ फॉर स्फीयर ई इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर ए इक्वल टू, नाउ पुट ई इक्वल टू ई ए, ई ए की जगह पे हम फोर पाई आर स्क्वायर रखें, तो ई फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, देयरफॉर ई इक्वल्स टू वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपन आर स्क्वायर, वेयर वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल्स टू के, एंड देयर के इक्वल्स टू नाइन इंटू टेन पावर माइनस नाइन, एंड एप्सिलॉन जीरो इज परमिटिविटी. ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.